हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सीबीएसई क्लास 10th एंड 12th के लिए फर्स्ट टर्म की परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। उसी के संबंध में सीबीएसई ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें सीबीएसई ने स्कूल्स और स्टूडेंट्स को फर्स्ट टर्म एग्जाम कंडक्ट कराने की पूरी प्रक्रिया के बारे में अपडेट किया है कि कैसे यह एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, क्या एग्जाम के ड्यूरेशन रहेंगे, क्या रीडिंग टाइम रहेगा, किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं, प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट कैसे कंडक्ट कराना है और कैसे उसके मार्क्स अपलोड करने हैं और क्या उसकी लास्ट डेट रहेगी, कैसे रोल नंबर्स आपको डाउनलोड करने हैं जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और एग्जाम सेंटर किस तरीके से फिक्स किए जाएंगे। और इस सारी प्रक्रिया के लिए सीबीएसई जो है कुछ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स यानी वेबिनार्स कुछ कंडक्ट करा रहा है, जिसमें बताया जाएगा कि आपको एग्जाम कैसे कंडक्ट कराना है, ओएमआर शीट्स कैसे डाउनलोड करनी है और जो मार्क्स हैं वो स्टूडेंट्स के उनको कैसे अपलोड करने हैं। और जो हमारे जो ऑब्जर्वर हैं या सिटी कोऑर्डिनेटर हैं या फिर जो हमारे सेंटर सुपरिटेंडेंट हैं, उनका क्या रोल रहेगा एग्जामिनेशन सेंटर्स के अंदर, और जो ओएमआर शीट है वो आपको कैसे डाउनलोड करनी है, कैसे ओएमआर शीट को आपको इवेल्युएट करना है और कैसे आपको सीबीएसई को मार्क्स अपलोड करने हैं, और कौन कौन से आइटम जो है स्टूडेंट्स जो है परमिटेड हैं एग्जाम सेंटर पर, कौन कौन से आइटम वो लेकर के आ सकते हैं और क्या जो चीजें हैं वो प्रोहिबिटेड हैं, और जो रिजल्ट है वो कब डिक्लेयर होगा, कैसे डिक्लेयर होगा, ये सारी जानकारी सर्कुलर में दे रखी है। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन इन द सर्कुलर। दिस इज द सर्कुलर। ये जो सर्कुलर है ये हमारा आया था डेट 6 को आया था, 6 नवंबर 2021। और बेसिकली इसमें जो ज़्यादातर जानकारियां हैं वो हमको सीबीएसई का जो पहला वाला सर्कुलर था 51 वाला, जो जुलाई 5 को आया था कि सीबीएसई जो है वो इस बार जो बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराएगा वो 2 टर्म्स के अंदर कंडक्ट कराएगा, उसके बारे में कुछ जानकारियां दे रखी हैं। तो यहाँ पर देखो टर्म 1 के अंदर देखा हुआ है कि जो टर्म 1 एग्जाम है उस सर्कुलर में दिया था कि नवंबर और दिसंबर मंथ के अंदर होगा, दिसंबर 2000। सो अकॉर्डिंग टू दैट सेम द सीबीएसई इज गोइंग टू कंडक्ट द एग्जाम। जो 10th क्लास का एग्जाम हो रहा है वो यहाँ पर 17th 11 2021 से स्टार्ट हो रहा है, और जो क्लास 12th के जो हमारे एग्जाम्स हैं टर्म 1 के वो 16 नवंबर 2021 से स्टार्ट हो रहे हैं। नाउ कंडक्शन ऑफ टर्म 1 एग्जामिनेशन। टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए सबसे जो बड़ी, मैंने पहले ही बताया था अपने वीडियो के अंदर, जो सबसे बड़ी चुनौती है वो क्या थी कि 189 सब्जेक्ट्स का एग्जाम कंडक्ट कराना है, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। एटलीस्ट यहाँ पर 40 to 45 days हमारे को लगने चाहिए थे। इसी कारण से सीबीएसई ने क्या किया कि जो भी हमारे सब्जेक्ट्स थे उनको 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया था, 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया था। पहला नंबर ग्रुप जिसको सीबीएसई ने पहले बोला था कि द मेजर सब्जेक्ट्स। अब मेजर का मतलब ये नहीं कि जो बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, या मेन सब्जेक्ट्स भी नहीं बोल सकते, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो सारे स्कूल्स जो हैं ऑफर करते हैं, मैक्सिमम ऑफ द स्कूल दे आर ऑफरिंग दिस सब्जेक्ट्स, उनको मेजर कैटेगरी के अंदर डाला गया था। और उसके बाद में जो सेकंड कैटेगरी बनाई थी दैट इज द माइनर, वो हमारी माइनर कैटेगरी थी। यहाँ पर ये माइनर कैटेगरी के कुछ सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, क्लियर। माइनर कौन से हो गए, द सब्जेक्ट्स ऑफर्ड बाय फ्यूअर स्कूल्स, जो कुछ ही स्कूल्स सब्जेक्ट्स क्या करती हैं ऑफर करती हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन इन द सर्कुलर। इस सर्कुलर में जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर हैं कि ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम, यानी ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम क्या यहाँ पर बता रखा है, 90 मिनट्स का यहाँ पर एग्जाम का ड्यूरेशन रहेगा, 90 मिनट्स ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम इट इज गिवन। और इसी तरह से यहाँ पर जो एग्जाम है वो 11:30 AM यहाँ पर स्टार्ट होगा, पहले जो एग्जाम 10:30 AM पर स्टार्ट हुआ करता था। और यहाँ पर जो रीडिंग टाइम है, जो पहले वाले सर्कुलर के अंदर इन्होंने क्लियर नहीं कर रखा था कि रीडिंग टाइम जो है वो क्या है, 90 मिनट्स में इंक्लूड कर रखा है एक्सक्लूड है, यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया कि रीडिंग टाइम बिफोर स्टार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन यानी 11:30 बजे से पहले 20 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा पेपर को रीड करने के लिए। अब नेक्स्ट है जो पॉलिसी फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, यानी जो हमारे पास में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके पॉलिसी में कोई भी किसी तरह का कोई चेंज नहीं किया गया है। वहाँ उनको पहले भी जो टाइम दिया जाता था उतना ही टाइम यहाँ पर दिया हुआ, जैसे पहले 1 घंटे का अगर पेपर होता था तो 20 मिनट्स का एडिशनल टाइम दिया जाता था, अब ये 90 मिनट्स का पेपर है तो यहाँ पर जो एडिशनल टाइम यहाँ पर क्या कर दिया है, 30 मिनट्स पीडब्ल्यूडी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। सो यहाँ पर एक स्कूल से रिक्वेस्ट की गई है कि जो स्क्राइब है वो स्कूल्स एक अपना स्क्राइब्स का ग्रुप बना ले, और जो भी कैंडिडेट अगर रिक्वायर्ड है किसी कैंडिडेट को तो वो वहाँ पर उसको प्रोवाइड किया जाए, और जो स्क्राइबर्स हैं जो जितने भी जो वहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, स्क्राइब की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको सीबीएसई अपनी तरफ से एक सर्टिफिकेट देगा फॉर देयर सर्विसेज। जो ज्यादातर कन्फ्यूजन था कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का, कि प्रैक्टिकल और इंटरनल एग्जाम कैसे कंडक्ट कराना है, तो प्रैक्टिकल और जो इंटरनल एग्जाम है वो यहाँ पर सीबीएसई ने क्लियरली बोल रखा है कि प्रैक्टिकल जो एग्जाम्स हैं वो जैसा अपने सीबीएसई ने जो जुलाई 5 के अपने जो गाइडलाइन जो सर्कुलर रिलीज किया था, सर्कुलर नंबर 51, ठीक है, उसमें
कैसे मार्क्स अपलोड करने हैं, कैसे हमको प्रोजेक्ट और जो इंटरनल असेसमेंट कैरी आउट कराने हैं, क्लियर, वो हमको लेटेस्ट बाय 23/12/2000 यानी 23 दिसंबर तक हमारे को जितने भी असेसमेंट इंटरनल असेसमेंट वो सारे के सारे कंप्लीट करा लेने हैं। और 23 तारीख से पहले ही ये जो जितने भी मार्क्स हैं इंटरनल असेसमेंट के वो हमको सीबीएसई की वेबसाइट के ऊपर अपलोड करने हैं, जिसका लिंक सीबीएसई जल्दी ही प्रोवाइड कर देगा। पर यहाँ पर एक यहाँ पर खुली चेतावनी सीबीएसई ने दी है कि अगर 23 दिसंबर यानी 23 दिसंबर से पहले अगर ये जो मार्क्स हैं प्रैक्टिकल या इंटरनल एग्जाम्स के अगर ये अपलोड नहीं किए जाते, तो यहाँ पर चार चीजें दे रखी हैं कि रिजल्ट में भी डिक्लेयर विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन टर्म वन प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट, यानी जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसमें टर्म वन के प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट मार्क्स के कंसिडर ही नहीं किए जाएंगे, यानी उतना स्टूडेंट को नुकसान हो जाएगा। या फिर रिजल्ट में भी डिक्लेयर बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस और टर्म टू ओनली, यानी जो टर्म टू एग्जाम होगा, टर्म टू का जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उसी का वेटेज टर्म वन के अंदर ऐड कर दिया जाए कि उसी के बेस के ऊपर टर्म वन के मार्क्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। यहाँ थर्ड चीज और दे रखी है सीबीएसई ने कि 50,000 तक का फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है स्कूल के ऊपर अगर वो लास्ट डेट तक ये मार्क्स अपलोड नहीं करती है। और यहाँ तक लास्ट के अंदर इसमें ये भी दे रखा है एक्शन टू विड्रॉल एफिलिएशन में भी इनिशिएटेड, यानी उस जो स्कूल की एफिलिएशन को विड्रॉ करने के लिए भी एक्शन लिए जा सकते हैं अगर प्रैक्टिकल मार्क्स 23 दिसंबर 2021 से पहले अपलोड नहीं किए जाते हैं। यहाँ पर दो और मेन पॉइंट दे रखे हैं, नो एक्सटर्नल एग्जामिनर विल बी अपॉइंटेड, यानी जो स्कूल में जो टीचर्स अवेलेबल हैं जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वही ये इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाएंगे, बाहर से कोई एक्सटर्नल इसके अंदर नहीं आएगा। और इसके लिए जो आंसर शीट, जो अगर कोई रिटर्न वर्क है तो जो आंसर शीट्स हैं वो बोर्ड प्रोवाइड ना करके स्कूल की जो आंसर शीट्स हैं वही वहां पर काम में ली जाएंगी, और उन आंसर शीट्स को बाद में सेव करना है क्योंकि सीबीएसई इन आंसर शीट को कभी भी वेरिफिकेशन के लिए बोल सकता है या वेरीफाई करवा सकता है। पर अगर हम फिक्सेशन ऑफ एग्जाम सेंटर की बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास में जो 26,000 एफिलेटेड स्कूल्स हैं इंडिया के अंदर और अब्रॉड जो 26 अदर कंट्रीज के अंदर भी सीबीएसई स्कूल्स हैं, सो आज की प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए बिकॉज टाइम बहुत कम है हमारे पास में, तो सीबीएसई बोला कि जिस अगर एग्जाम सेंटर वैसे तो सेल्फ सेंटर ही रहना है, लेकिन अगर फिर भी अगर फिक्स हुआ तो इस तरह से फिक्स किया जाएगा कि ना तो स्कूल को प्रॉब्लम हो उससे और ना ही स्टूडेंट को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, और जो एग्जाम की सिक्योरिटी है या सेफ्टी है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगी, इस तरह से फिक्सेशन किया जाएगा एग्जाम सेंटर का। और ये जो एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए कभी कई सारे कन्फ्यूजन चल रहे हैं स्कूल्स के बीच में कि किस तरह से एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, तो हालांकि एग्जाम के लिए सीबीएसई ने पूरी तैयारी कर रखी, लेकिन स्कूल्स अभी भी कन्फ्यूज हैं कि किस तरह से एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, तो ये एग्जाम कैसे कंडक्ट किया जाएगा यानी प्रिपरेशन ऑफ द कंडक्शन ऑफ द एग्जाम, और कैसे इवेल्युएशन वर्क कैरी आउट किया जाएगा, कैसे मार्क्स अपलोड किए जाएंगे, इसके लिए यहाँ पर एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के लिए यहाँ पर इस सर्कुलर में लिखा गया है। तो जो भी शेड्यूल होगा उस कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का या वेबिनार का वो स्कूल्स को अपनी जो मेल आईडी है उसके ऊपर अलग से प्रोवाइड कर दिया जाएगा या फिर जो भी हमारी जो वेबसाइट है सीबीएसई की उस पर लगा दिया जाएगा। अगर आप वेबिनार में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, सीबीएसई ने यहाँ पर बोला है कि वीडियोस भी जो हैं वो सीबीएसई प्रोवाइड करेगा कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम के अंतर्गत कि कैसे ये एग्जाम कंडक्ट कराना है, किन किन चीजों का हमारे को ध्यान रखना है, कैसे ओएमआर शीट को हमको इवेलुएट करना है, कैसे उनको मार्क्स को अपलोड करना है, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दैट वेबिनार। नेक्स्ट वन इज अपॉइंटमेंट ऑफ ऑब्जर्वर्स, यहाँ पर अब सेल्फ सेंटर रहने वाला है तो एग्जाम की सेफ्टी के उसकी सेंसिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर ऑब्जर्वर को अपॉइंट किया जाएगा। तो जहां पर जिन स्कूल्स के अंदर 500 या 500 से कम स्टूडेंट्स हैं वहां पर एक ऑब्जर्वर होगा, और जहां पर 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं वहां पर टू ऑब्जर्वर्स यहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये जो ऑब्जर्वर्स अपॉइंट करने का काम है ये हमारे सिटी कोऑर्डिनेटर का है, सिटी कोऑर्डिनेटर विल अपॉइंट द ऑब्जर्वर्स, और सिटी कोऑर्डिनेटर ही ये एंश्योर करेगा कि जो ऑब्जर्वर्स हैं वो हर दिन हर पेपर के अंदर एग्जाम सेंटर के ऊपर पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। सिटी कोऑर्डिनेटर विल एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑब्जर्वर ईच डे ऑफ एग्जामिनेशन एज पर डिसाइडेड स्केल, यानी जिस स्कूल के अंदर ऑब्जर्वर अपॉइंट हुआ है तो उस स्कूल में जिस जिस दिन एग्जाम है उसमें कंप्लीट पीरियड यानी जब पूरा जब एग्जाम चलता है जितने भी आर्ट्स का एग्जाम है वहाँ अवेलेबिलिटी होनी चाहिए किसकी, ऑब्जर्वर की, ऑब्जर्वर विल ऑलवेज बी अवेलेबल ड्यूरिंग द एग्जाम। और इसकी जो रिपोर्ट है ऑब्जर्वर की यानी इसको एंश्योर कौन करेगा, सेंटर सुपरिंटेंडेंट और सिटी कोऑर्डिनेटर ऑब्जर्व करेंगे इसको कि जो हमारा ऑब्जर्वर है वो फुल टाइम जब जब भी एग्जाम है वो वहां पर एग्जाम सेंटर पे प्रेजेंट है या नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द ओएमआर शीट, तो ओएमआर शीट यहां पर सीबीएसई ने लिखा हुआ है कि सीबीएसई विल सप्लाई कस्टमाइज्ड ओएमआर ऑनलाइन,
यानी हमारे पास में जो ओएमआर शीट है बिफोर टाइम ही ऑनलाइन हमारे पास में पहुंच जाएगी। हमको क्या करना है, उस जो भी ओएमआर शीट आती है उसकी हमको फोटोकॉपीज निकालनी है, लेकिन फोटोकॉपीज के लिए आपको अच्छी क्वालिटी का पेपर A4 साइज पेपर यहाँ पर यूज करना है। यानी वो भी जो भी हमारे पास में ओएमआर शीट आएगी उसको हमको A4 साइज यानी थोड़ा थिक पेपर यानी गुड क्वालिटी का पेपर होना चाहिए, जिससे उसको मार्क करते हुए स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो या कहीं वो पेज फट ना जाए। सो गुड क्वालिटी का हमारे को यहाँ पर A4 साइज पेपर यूज करना है ओएमआर शीट की फोटोकॉपी निकालने के लिए। फॉर ऑल सब्जेक्ट्स OMR विल बी सप्लाइड बाय द CBSE, यानी हर सब्जेक्ट के लिए CBSE एक OMR शीट का सैंपल हमारे को प्रोवाइड करेगा और उसकी हमारे को क्या निकालनी है, फोटो कॉपी निकालनी है। सो द स्कूल विल डाउनलोड द OMR शीट 10th और 12th दोनों ही क्लास के लिए, और उसके लिए CBSE हमको जल्दी ही बता देगा कि किस किस तरह से हमको OMR शीट को डाउनलोड करना है। और इसकी जो एक कॉपी है, वी कैन से ट्रायल कॉपी ऑफ द ओएमआर शीट विल बी प्रोवाइडेड टू द स्कूल। अगर स्कूल किसी तरह की कोई प्रैक्टिस पर्पज के लिए उसको यूज करना चाहे तो उस ओएमआर शीट को यूज कर सकता है। नेक्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ द ओएमआर शीट, यानी ओएमआर शीट को इवोल्यूट करना, उसको चेक करना, तो इसके बारे में सीबीएसई अलग से इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा। हालांकि इन इवोल्यूशन शीट्स को सेम डे चेक करके मार्क्स अपलोड करने के लिए पहले बताया गया था, लेकिन अभी इसके लिए सीबीएसई ने यह कहा है कि इसके बारे में जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो सेपरेटली अलग से प्रोवाइड की जाएंगी। यहाँ पर एक चीज और ऐड की गई है कि रफ वर्क, अगर स्टूडेंट कोई रफ वर्क करना चाहता है तो रफ वर्क के लिए उसको अलग से शीट स्कूल के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट वन इज ऑल्सो जनरल थिंग दैट गाइडलाइन टू प्रिवेंट द कोविड, यहाँ पर कुछ कोविड गाइडलाइन जो भी है उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा जिस स्कूल के अंदर ये एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं। और परमिटेड आइटम्स में यहाँ पर लिखा होगा स्टूडेंट्स कैन कैरी आउट ओनली परमिटेड आइटम्स, यानी जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को पहले सेटिस्फाई कर लेंगे कहीं मेरे पास कोई ऐसा आइटम तो नहीं है या कोई ऐसा आर्टिकल तो नहीं है जो एग्जाम में किसी पेपर में मेरी मदद करे या फिर मेरे परफॉर्मेंस को क्या करे, इम्प्रूव करे। सो ऐसी कोई भी चीज जो एग्जाम की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है, दैट आइटम विल नॉट बी अलाउड इन द स्कूल। सो अगर कोई भी स्टूडेंट के पास में इस तरह का कोई आर्टिकल या कुछ इस तरह का मटेरियल मिलता है तो सीबीएसई उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी, और यहाँ तक भी एक्शन लिया जा सकता है कि स्टूडेंट के जो एग्जाम है पर्टिकुलर एग्जाम, उस एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाए पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर दे रखा है कि दैट इन्फॉर्मेशन यू कैन फाइंड इन द सर्कुलर 51 जो July 5th, 2021 को इशू हुआ था, लेकिन उसमें कुछ खास इन्फॉर्मेशन डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट के बारे में नहीं दे रखी है। अब बात आती है रोल नंबर्स की और गाइडलाइंस की, तो रोल नंबर्स जो भी होंगे दैट विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑन 9th 11 2021, यानी 9th नवंबर को अपलोड हो जाएंगे। और जो भी गाइडलाइंस है यानी एग्जाम को कंडक्ट कराने के बारे में जो भी गाइडलाइंस है, जो भी फंक्शनरीज हैं, दैट ऑल्सो विल बी अपलोडेड ऑन 9th नवंबर 2021। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी, मीनिंगफुल लगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।